आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछली 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, बिन खाद खेत सून, MSP तो है, मिलती कहाँ है। दूसरा, कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, 100 करोड़ टीकों की सफलता, लापरवाही से हो सकती है विफलता। तीसरा, पेट्रोल डीजल को GST में लाओ या एक्साइज घटाओ। चौथा, लखीमपुर जांच को लटकाया जा रहा है। पांचवा, प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता परेशान है। संदीप ने अपनी डिबेट में बढ़ती महंगाई पर ही बात की और BJP नेताओं को घेरा भी। कोई अपर सर्किट है, कोई अपर लिमिट है, पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक बढ़ेंगे? आपने अभी एक कैंपेन की बात की, एक्साइज घटाओ, वैट घटाओ क्यों नहीं कह रहे आप? संदीप जी आप बताओ। दोनों चीजें मैंने बोली दिनों। अच्छा, सब कुछ राज्य करेंगे, वैसे आप वैक्सीनेशन आप करेंगे, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये आप हमेशा ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट क्यों करते हैं कि केंद्र भाई राज्यों से पूछ लो, विपक्ष से पूछ लो, सरकार में कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सबसे पहले। संदीप जी, अगर आपका ये होता कि वैट और एक्साइज घटाओ तो मैं ये प्रश्न नहीं पूछता, फिर मैं मानता कि ठीक है आपकी कैंपेन। आप कह रहे हैं एक्साइज घटाओ, तो देखिए पहले वैट घटाना चाहिए। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार को, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी इस देश में अब राज्य सरकारों की है और विपक्षी दलों की है। ना ना, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ सरकार, हमने आपको चुना, सवाल आपसे पूछूंगा। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, आर्यन खान की जमानत और कानून के सवाल। दूसरा, प्रदर्शनों को कुचलने की दुनिया भर में तैयारी। तीसरा, किसान आंदोलन, कोर्ट में सुनवाई, सरकार कहां गई। चौथा, क्या कोई जानता है कश्मीर में क्या हो रहा है। और पांचवा, पेट्रोल की मार के मुद्दे को उचित स्थान कब देगी सरकार। रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई जरूरी मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और वहां के हालात के बारे में कुछ जानकारी दी। इतना कुछ हो रहा है फिर भी कश्मीर पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है दिल्ली में। इसके अलावा बाकी के पारंपरिक रास्ते या तो बंद हो चुके हैं या कमजोर कर दिए गए, जैसे राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, NGO और मीडिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की समाप्ति के बाद इन सभी की हालत पर आप गौर कर लेंगे तो पता चलेगा कि कश्मीर पर जानने के लिए आपके पास गोदी मीडिया ही है, जो कि खुद नहीं जानता वहां क्या हो रहा है। कि कश्मीर के बारे में हम जानेंगे कैसे अगर इंटरनेट बंद रहेगा, पत्रकार अपना काम नहीं करेंगे। आर्थिक गतिविधियां और इंटरनेट बंदी से पत्रकारों की नौकरियां चली गईं, कई पत्रकार मारे भी गए और कईयों पर UAPA लगा दिया गया। कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, इसकी जानकारी केवल मंत्रियों के बयान से ही मिलती है, गंगा नजर नहीं आती। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान। दूसरा, 100 करोड़ का दम, विपक्ष का टूटा भ्रम। तीसरा, मोदी योगी की हुंकार, 2022 में बेड़ा पार। चौथा, हिंदुओं पर हमला, CAA नहीं है जुमला। और पांचवा, हिंदुओं सिखों की टारगेट किलिंग, कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। अमीश ने अपनी डिबेट में या तो विपक्ष पर सवाल उठाए या फिर सरकार के पक्ष की बात की, पर महंगाई पर एक बार भी बात नहीं की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज पूरे देश के लिए गर्व का दिन है। ये चौपाई मैंने क्यों पढ़ी, इसका अर्थ आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। और पूरे देश के लिए गर्व का दिन इसलिए है क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। भारत दुनिया में बाहुबली बन गया है और भारत में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन आज जश्न के साथ उन लोगों पे प्रश्न उठाने का भी दिन है जो वैक्सीन पर हाय तौबा मचा रहे थे। कोई कह रहा था कि वैक्सीन नपुंसक बना देगी, कोई तो ये कह रहा था कि ये BJP का टीका है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। ये वही ब्रिगेड है जो ड्रग्स का समर्थन करती है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन पे चुप हो जाती है, पहचानिए ने जरा। भारत के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा भी हो रहा था और कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी आबादी को टीका कैसे लगेगा। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, वीर सावरकर की देशभक्ति पर क्यों उठाए जाते हैं सवाल। दूसरा,
वैक्सीन की 100 करोड़ डोज, सियासी गलियारों में चर्चा क्या। तीसरा, पाक का टेरर एजेंडा, क्रिकेट सीरीज पर भारी। चौथा, घाटी में सरहद पार तक आतंक कब तक। और पांचवा, कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश के पीछे कौन। दीपक ने अपनी डिबेट्स में बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं की, उन्होंने अन्य मुद्दों पर ही बात की। आइए देखते हैं उनकी एक डिबेट। सुपर संडे होगा, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, तो ऐसा क्रिकेट को धर्म मानने वाले लोग मानते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में क्रिकेट एक धर्म है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच जैसे पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए टारगेटेड किलिंग कराई है कश्मीर के अंदर, साथ ही साथ हमारे सुरक्षा बलों के 9 जवानों को पिछले कुछ दिनों में मार दिया है, उसके बाद देश के कई इलाकों से मांग उठ रही है कि इस खेल को नहीं खेला जाना चाहिए, ये मैच नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना आईएसआई मिलकर हमारे आम लोगों का खून बहाए, हमारे जवानों का खून बहाए, उनके खिलाफ षड्यंत्र करे और ऐसे में हम उनके साथ क्रिकेट का खेल करें, क्या यह करना उचित है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी यह मानना है कि वो नहीं चाहते कि यह क्रिकेट मैच हो। कई सारी दिक्कतें हैं बीसीसीआई के सामने, दिक्कत यह है कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों यानी अंतरराष्ट्रीय नियमों से बंधे हुए हैं। आपको कौन सा एंकर जानकारी देता नजर आया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।